हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सुसिम ब्लॉग्स। दिस इज सूरज। बैठे हम अपनी गाड़ी में, कहीं निकल रहे हैं। निकल कहाँ रहे हैं? अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए। एक्चुअली गाड़ी का जो किलोमीटर है वो हो गया 26,182 किलोमीटर्स। सो कायदे से 30,000 पे होना चाहिए था, बिकॉज 10,000 के डिफरेंस में मैं करवा रहा था अभी तक। बट टाइम पूरा हो गया, मतलब एक साल या 10,000 पैसा होना चाहिए था, टाइम पूरा हो गया था। तो आई वॉज थिंकिंग कि किलोमीटर पूरा कर लेते हैं उसके बाद ही करवाएंगे। बट देन सडनली गॉट टू नो फ्रॉम समवन कि नहीं, ये किलोमीटर और टाइम दोनों में से जो पहले हो जाता है उसमें करवा लेना चाहिए। बेसिकली फ्री सर्विस ख़त्म हो गई है, ये वाली पेड सर्विस रहेगी। सो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है, कितना खर्चा आता है। बिकॉज अभी जाके एक्चुअली पता चलेगा कि खर्चा होता कितना है, बिकॉज अभी तक जो भी हो रहा था वो तो फ्री सर्विस वाला कहानी था। तो अभी जब पेड सर्विस वाली कहानी आई है तब जाके पता चलेगा कि एक्चुअल खर्चा कितना होने वाला है। देखते हैं ओडोमीटर क्या कहानी है। सो ये जो है पहला नोटिफिकेशन दिख रहा है और काफी दिन से दिख रहा है। इनफैक्ट जब गाड़ी दिसंबर 2nd को गाड़ी खरीदी थी मैंने, तो उसी हिसाब से ये सर्विस का डेट दिखा रहा है। तो दिसंबर 2nd से ही दिखा रहा है सर्विस रिक्वायर्ड, सर्विस रिक्वायर्ड। तो ये एक पंगा है। दूसरा, इसका जो की बैटरी है, सो ये वाला नोटिफिकेशन अभी आ रहा है इधर इसके ओडोमीटर के ऊपर। तो अभी इसको लेके चलते हैं, सर्विस करवाते हैं, देखते हैं। टाइम हो रहा है 9:46, 10 बजे से सर्विस सेंटर चालू होएगा, तो 10 बजे तक अपने को वहाँ पे पहुँच जाना है। लगेंगे 15-20 मिनट पहुँचने के लिए अपने को उधर। आज पटना में करीब करीब 10-12 दिन के बाद इस समय में धूप दिख रही है, वरना भयंकर वाला फॉग हो रखा था हर तरफ। मौसम तो भाई साहब, ये धूप देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। फिलहाल यही धूप गर्मी के दिन में देखूंगा तो बहुत खराब लगेगा। भाई टाइम हो रहा है 9:59 और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मतलब रेनो के सर्विस सेंटर पे। वो रहा रेनो का बोर्ड, आते हैं गाड़ी अंदर। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। प्रिंट भी निकल जाता है इसका। सेंट्रल चेकअप के बाद गाड़ी आई है वॉशिंग के लिए। आई डोंट नो वॉशिंग करेंगे या सिर्फ ब्लेड को साफ करेंगे। लेट्स सी। मतलब सिर्फ एडजस्टमेंट का इशू था क्या? ठीक से बिठा दो यार, वो अच्छा लगना चाहिए देखने के लिए। सो भाई गाड़ी का जो चेकअप था, जनरल चेकअप, वो हो चुका है। जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट मिल चुका है। मेरा गियर थोड़ा थोड़ा सा फंस रहा था तो उसको इन्होंने एडजस्ट किया है, होपफुली वो ठीक हो गया होगा। एंड इसके अलावा गाड़ी में थोड़ी आवाज़ थी, उसके लिए इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि ब्लेड से चेंज करना पड़ेगा एसी का। बट देन बोला कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रहने देते हैं, तो रहने ही देते हैं। और जो जनरल चेकअप है उसमें वॉशिंग नहीं होती है, बट देन उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मैं सुबह सुबह आया था और यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव, काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो एक वॉशिंग भी गाड़ी की करवा रहे हैं। तो होपफुली जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई हैं। हमने कूलेंट चेक कर लिया, हमने नॉर्मल जो ऑयल चेकअप होता है वो कर लिया, मतलब मोबिल जो गाड़ी को होता है वो चेक कर लिया। सब सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत है नहीं ऐसा। तो बस वॉशिंग हो जाती है फिर लेके निकल। बेस्ट पार्ट इज कि आज मैं ये सोच के आया था कि मुझे सर्विस करवानी पड़ेगी, बट देन इन्होंने सजेस्ट किया कि सर्विस से बेटर है जनरल चेकअप करवा लीजिए, और जब सर्विस का जो किलोमीटर है वो पूरा हो जाएगा तब जाके आप करवा लीजिएगा। तो मैंने ऑयल चेकअप, जो मोबिल होता है वो चेक करवा लिया, देन एयर फिल्टर वगैरह क्लीन हो गया, देन कूलेंट वगैरह चेक हो गया, तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और वॉशिंग मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिल गई, तो बाहर बाहर से गाड़ी वॉश भी हो जाएगी अभी। तो ऑलमोस्ट चीज़ें डन हैं, अब देखते हैं इसका बिल कितना आता है। लेट्स सी।
फाइनली वॉशिंग भी हो गई, चले देखते हैं कितना का खर्चा हुआ है। भाई हो चुकी है रात और अभी जाके मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली जो वीडियो हम लोग बना रहे थे सर्विसिंग वाली, उस वीडियो में हो गया एक थोड़ा सा कांड। अब कांड क्या हुआ कि हमने तो जनरल चेकअप करा ली, हमें कॉम्प्लीमेंट्री में गाड़ी की वॉशिंग भी मिल गई, सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद जो गेट पास होता है वो भी हमें मिल गया और हम बाहर निकलने ही वाले थे कि ठीक उसी समय मैंने ऐसे ही थोड़ा सा क्रॉस चेक किया कि भाई मेरी जो गाड़ी का जो वारंटी है वो तो लैप्स नहीं हो जाएगा, बिकॉज हमने सर्विसिंग नहीं कराई, सर्विस का डेट जो है वो लैप्स कर गया था। हालांकि ये पेड सर्विस थी बट गाड़ी वारंटी में है, तो फिर उन्होंने दोबारा से रीचेक किया एंड देन दे कन्फर्म कि यदि हम सर्विस अभी नहीं कराएंगे तो गाड़ी की जो वारंटी है दैट विल बी अफेक्टेड। तो इसीलिए हमने गाड़ी की सर्विसिंग कराने का डिसाइड किया और गाड़ी को डाल दी सर्विसिंग में। सारा चेकअप वेकअप हो चुका था, उसके बाद दोबारा से गाड़ी की सर्विसिंग में। सो अगेन गाड़ी के सारे चक्के खुले, अगेन तो नहीं बोलेंगे बिकॉज सर्विसिंग के नाम पे ही वो गाड़ी के चक्के वक्के खुले, सारा जो क्लीनिंग वगैरह होता है वो हुआ। मेजर खर्चा था हमारी गाड़ी का जो ऑयल था वो चेंज होना था, वो हो गया। कूलेंट का टॉपअप हो गया और भी जो प्रोसीजर होते हैं नॉर्मल वो सारा हुआ। करीब करीब जो खर्चा आया वो आया 8,000 रुपये पेड सर्विस में। जो हम लोगों को देखना था कि आखिर इस गाड़ी का जो पेड सर्विस होगा उसमें कितना खर्चा आएगा, तो ये था ओवरऑल खर्चा। टोटल 8,000 भी नहीं है, 8,000 से थोड़ा सा कम हुआ, बट देन इतना था खर्चा। तो अभी गाड़ी की सर्विसिंग हो गई है और जो सर्विस रिक्वायर्ड वाला जो नोटिफिकेशन आ रहा था वो खत्म हो गया। गाड़ी का मेरा बैटरी भी खत्म हो गया, मतलब कम दिख रहा था की कार्ड की बैटरी जो है लो है, तो वो भी हमने चेंज करवा दिया। तो सारी चीज़ें हो गई हैं, 8,000 का खर्चा आया है। मैं बिल का फोटो एक बार खींच के इधर डाल देता हूँ या फिर देखते हैं कैसे बता सकते हैं, तो वो कर देंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं फिर से अगले वाले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगले वाले वीडियो में देखते हैं गाड़ी की सर्विसिंग का क्या असर हुआ गाड़ी के ऊपर, क्या फ़ायदा हुआ नहीं हुआ वो देखेंगे। चलो मिलते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या चीज़ों का जो है वो कॉस्टिंग आया है। तो कुछ फिल्टर पास कॉम्पैक्ट करके है, इसका जो कॉस्टिंग था वो कुछ 180 रुपए का आया है। देन वाइपर वॉश 50 रुपए का आया है। एयर फिल्टर जो है वो कुछ 205 रुपए का आया है। वॉशर कैप सील जो होता है वो 80 रुपए का आया है। ऑयल फिल्टर जो है वो 441 रुपए का आया है। एंड देन जो ऑयल होता है, इंजन ऑयल जो होता है वो 3,480 रुपए का आया है। स्पार्क प्लग जो है वो 3 लगाए इसमें, 459 रुपीस का आया है। और एक की बैटरी जो मैंने ली है वो 110 रुपए का आया है। तो ये पूरा मिला के जो टोटल जो बिल हुआ था वो करीब करीब 8,000 के लमसम का था। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट था 7,846 रुपीस। तो ये टोटल कॉस्टिंग आई है पेड सर्विस में। दैट्स इट। जाते जाते आप लोग जो सर्विस वाला वीडियो जो मैंने शूट किया है वो देख लीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो। फाइनली ऑयल चेंज हो रहा है। कौन सा ऑयल है? सिंथेटिक है ना।